हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का इकाई 3 जिसका नाम है प्राकृतिक घटनाएं, चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इस चैप्टर से संबंधित बैकग्राउंड को समझते हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको हम प्रकाशिकी बोलते हैं। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा से ही यह आपका चैप्टर लिया गया है। प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकाश से संबंधित जो पहली घटना है परावर्तन, दूसरी घटना है अपवर्तन, तीसरी घटना विवर्तन, व्यक्तिकरण तथा प्रकाश का ध्रुवण। आपको कक्षा 10th के सिलेबस में केवल प्रकाश से संबंधित दो घटनाएं यानी कि परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। अब हम चलते हैं चैप्टर में एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या होता है। तो दोस्तों, लाइट एक ऊर्जा का रूप होता है जो स्वयं तो हमें दिखाई नहीं देता है, पर यह वस्तुओं को देखने में हमें मदद करता है। यानी कि यूं कह लें कि प्रकाश अगर नहीं है तो आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो प्रकाश जो होता है ये हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करता है। यानी कि प्रकाश का जो कनेक्शन होता है वो हमारी आंखों से होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो उसका कनेक्शन किससे होता है? हमारी कान से होता है। अगर कहीं पर स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, तो उसका संवेदना किससे होती है? हमारी नाक से होती है। उसी तरीके से प्रकाश का जो संवेदना होती है वो हमारी आंखों से होती है। यानी कि प्रकाश जो होता है वो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यानी कि प्रकाश ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस दुनिया की जो सुंदरता है वो आपको देखने और समझने में मदद करता है। तो प्रकाश, अब जो प्रकाश के आधार पे जो बॉडी होती है, जो वस्तुएं होती है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु होती है जिन्हें हम दीप्त वस्तुएं बोलती है। दीप्त वस्तु का मतलब होता है कि ये वस्तुएं खुद लाइट उत्पन्न कर रही होती है। जैसे आप सन को देख सकते हैं तो सन प्रकाश का एक भंडार है, उससे लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही होती है। बल्ब हो गया, इस तरीके से अन्य वस्तुएं जिनसे खुद लाइट निकलती है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनसे खुद का कोई लाइट उनका नहीं होता, यानी कि उनसे खुद लाइट नहीं निकलती है, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया आदि। तो इनसे खुद का कोई लाइट नहीं होता है। बट अब सवाल ये होता है कि अगर इनसे लाइट नहीं निकलता तो हमें दिखाई कैसे देती है? तो कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब सन लाइट उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। तो हमें किसी वस्तु को अगर देखना है तो उस वस्तु से सन का लाइट का रिफ्लेक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। आप सोच के देखिए कि कोई वस्तु ऐसी है, उसके ऊपर लाइट आया और वह लाइट आने के बाद वो उसका रिफ्लेक्शन ना करे, वो बोले कि अब हमारे पास तुम रहो, कहीं पे नहीं जाना है, तो वो वस्तु हमें विजिबल नहीं होगी। तो किसी भी वस्तु को अगर हमें देखना है तो उस वस्तु से लाइट का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती है जब उस वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु वस्तुओं को देखने में हमें मदद करता है। प्रकाश जो होता है वो हमारी आंखों को संवेदित करता है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? लाइट उत्पन्न करने के आधार पे ऐसी वस्तुएं जो स्वयं उनका खुद का कुछ लाइट होता है वो लाइट को प्रोड्यूस करती हैं तो उन्हें बोला जाता है दीप्त वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का कोई लाइट नहीं होता है, मतलब वो लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करती हैं, इन दीप्त वस्तुओं के लाइट से वो क्या करती हैं? उनके लाइट को रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्ट होती है तो हमें दिखाई देती है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? अदीप्त वस्तुएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रकाश के गुण। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं हमारे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में जो पहली पॉइंट आती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में
चलता है। हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए बार बार प्रकाश नहीं लिखेंगे। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बट यह बात अभी के लिए आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन प्रकाश के ऊपर जब अन्य घटनाओं को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रकाश होता है वो एक्चुअल में सीधी रेखा में न चल करके यह तरंग के रूप में चलता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। यानी कि जो प्रकाश होता है एक वेव की तरह, मतलब वेव की तरह यह चलता है। तो आप ग्रहवी में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि किसी भी कण के दो गुण होते हैं, यानी बट अभी के लिए आपके सिलेबस के हिसाब से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह बात तो सही भी है, बट आगे की क्लास में आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में न चल करके तरंग के रूप में चलता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश होता है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यह एक विकिरण की तरह चलता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जैसे रेडियो तरंगें हो गई, और भी जो तरंगें होती हैं, यानी कि जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें बोलते हैं। तो जो प्रकाश होता है तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जल और ठोस, द्रव और गैस किसी में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो प्रकाश की जो दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि प्रकाश ये नहीं कहेगा कि हमको अगर चलना है तो हमारे लिए आप लिक्विड लेकर आओ, द्रव लेकर आओ या फिर ठोस लेकर आओ। प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या है, कंफर्टेबल है, हर एक माध्यम में यह चल सकता है। निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है v, प्रकाश की चाल को प्रायः c से डिनोट किया जाता है, तो यहां पर आप c बराबर लिख सकते हैं। प्रकाश की चाल जो निर्वात अथवा वायु में होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि प्रकाश जो होता है एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है। 3×10⁸ का मतलब कितना हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। यानी कि जो प्रकाश होता है वो एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी क्या करता है, तय कर लेता है। आप इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप इसमें 1000 यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 2, 2, 4, 1, 5 5 किलोमीटर पर सेकंड में आप बदल दिए। यानी कि जो प्रकाश होता है एक सेकंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर की दूरी एक सेकंड में तय कर लेता है। एक सेकंड यानी कि जैसे ही आपने पलक झपका यह 3 लाख किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर गया। अब सोचिए, देखिए, अगर इतना तेजी से चलने वाला कोई ट्रेन बन जाए तो आप पलक झपकते ही पृथ्वी के इस पार से उस पार जाने में आपको देर ही नहीं लगेगी, है ना। तो प्रकाश की वेग जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और यह वेग इसका वायु अथवा निर्वात में होता है। इसमें होता है वायु अथवा निर्वात में यह प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग वायु अथवा निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रकाश जो होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है यह तो बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, चेंज होगी। इसका जो वेग यानी कि इसकी जो वेग यानी कि इसकी जो चाल होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। बट इसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है, आवृत्ति जो होती है वो सेम रहती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो प्रकाश से संबंधित यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, उसका वेग भी बदल जाएगा,
बट उसकी आवृत्ति क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है प्रकाश की जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलती नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगी। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, वेग बदल जाएगा, बट क्या सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रकाश से संबंधित ये कुछ क्वालिटी है, प्रकाश के ये कुछ गुण है, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्रकाश एक प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहली प्रॉपर्टी आप एग्जाम में इसी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, बट इससे बेटर क्या होगा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। जब आप प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका गुण क्या है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि यह किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, गति कर सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्वात अथवा प्रकाश में जो निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 3×10^5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, जाता है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, वेग बदल जाता है, बट क्या सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि अब जरूरी होता है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनेंगे, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन क्या है कि प्रकाश जब किसी पॉलिश्ड सरफेस से, किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश अगर किसी ऐसे सतह से टकराए जो कि एक तरफ से पॉलिश्ड हो, पॉलिश किया गया हो, तो वह क्या करता है कि उसी माध्यम में वापस बाउंस बैक कर जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहां पर हमने बना दिया एक परावर्तक सतह, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बोल सकते हैं, परावर्तक तल बोल सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने एक सतह ले लिया, हमने एक सतह ले लिया और इसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया। पॉलिश कर दिया मतलब इसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह का लेपन कर देते हैं, तो पॉलिश कर दिए। अब इस पे कोई लाइट जब आके गिरेगी, इसमें जब कोई लाइट आके गिरेगी, सपोज दैट यहां से यह लाइट आ रही है, तो आने वाली लाइट को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मान लीजिए लाइट आ रही है ए, यहां पे मान लीजिए पॉइंट ओ है। अब यह जो लाइट होगी यह इस तल से जो होगी टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यहां से यह वापस लौट जाएगी। जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और इस सतह के ऊपर जो डॉट लाइन से लाइन खींची गई है लंबवत, इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस कोण को बोला जाता है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कोण का नाम होता है आप, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस वाले कोण को बोलते हैं आर, और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। एक बार फिर से चीजों को हम समझ लेते हैं। यह एक है पॉलिश्ड सरफेस जिसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह। इस सतह पे जो किरण आ रही है
यहाँ पे किरण कौन सी आ रही है, AO किरण आ रही है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब यह इससे टकराने के बाद जो किरण इस सतह से वापस जा रही है उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। यहां पर देखिए कि यह जो आपतित किरण है और यह क्या अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या होता है, आपतन कोण। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यह अभिलंब और यह क्या है परावर्तित किरण, तो इन दोनों के बीच जो कोण बना है इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नाम होता है परावर्तन कोण। यहां पर हम चीजों को एक बार अच्छे तरीके से लिख देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो AO है, AO मतलब आने वाली जो किरण है, इस किरण का नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण जा रही है इस किरण को हम नाम दे देते हैं OB, ये किरण हो गई OB, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ओके, इस अभिलंब को हम नाम दे देते हैं MN, तो MN को क्या बोलेंगे, NM आप MN, इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब। ओके, यहां तक चीजें ठीक है। अब एक एंगल देखिए, एंगल कौन सा होगा, AOM, एंगल कौन सा होगा AOM, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, आई से, और इसका नाम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। नेक्स्ट वाला एंगल ध्यान से देखेंगे, ये इस कोण का नाम क्या होगा, एम ओ बी, एंगल कौन सा होगा, एम ओ बी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आई से इसको क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, आई का मतलब होता है इंसिडेंस एंगल, क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, इसलिए इंसिडेंस का आई है, तो आई से आपतन कोण को रिप्रेजेंट किया गया। आर का मतलब होगा रिफ्लेक्शन एंगल, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, तो रिफ्लेक्शन के आर से इसको, इसलिए आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे, तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ, कि प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है परावर्तन के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं और वो क्या होते हैं, अब हम समझने वाले हैं। तो परावर्तन के बेसिकली दो नियम होते हैं और वो दोनों नियमों को अब हम एक एक करके समझेंगे। तो परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या होता है, जैसे हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड एक सरफेस है, एक सतह है, तो जो तीनों किरण होंगी इसी बोर्ड पर ही होंगी, यानी कि इस बोर्ड से बाहर या फिर इसके पीछे कोई किरण नहीं निकलेगी।
तो तल का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम अपने हाथ की बात करें तो तल का मतलब अगर इधर से कोई किरण आ रही है तो यहां पर अगर पड़ेगी तो टकराकर पुनः इसी तल में वापस निकलेगी, इधर से अगर कोई किरण आएगी तो टकराकर पुनः इसी तल में वापस निकल जाएगी। तो तल का मतलब क्या है कि केवल एक्स वाई जेड प्लेन कोई होगा, मतलब दो बीमा का प्लेन होगा, उसी प्लेन के अंदर ही घटनाएं होंगी। तो तल का मतलब ये होता है। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं ये कहां पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट नियम समझते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है कि किसी एक ही प्रकाश के लिए, किसी एक ही प्रकाश के लिए जो आपतन कोण आई होता है वह परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आप किसी एक ही प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहां पर यह हो गया आपका परावर्तक सतह, यहां पर एक आपका हो गया अभिलंब, यह हो गया आपका अभिलंब, इसके बाद आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। तो यहां पर इस वाले एंगल को आप क्या बोलेंगे, इस वाले एंगल को आप बोलेंगे, इस वाले एंगल को आप बोलेंगे आई, और इस वाले एंगल को आप क्या बोलेंगे आर। इसका मतलब अभिलंब से जितना एंगल बनाकर, जितना कोण बनाकर किरण आएगी उतना ही कोण बनाकर किरण क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो इस नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नियम को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी एक ही प्रकाश के लिए जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कैसे होता है और किस तरीके से हम इससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप डायग्राम में देख ही रहे हैं, यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बन रहे हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण को, परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोल रहे हैं, परावर्तन कोण। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहां पर आपको दिया गया है एक परावर्तक सतह है, यहां पर एक किरण आ गई और यहां पर अभिलंब खींचा गया है। अगर ये वाला एंगल बोला गया 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए आप, परावर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं आई, तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 30 डिग्री। अब परावर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर आपको आपतन कोण का मान निकालना है, तो चूंकि आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है आर, तो यहां पर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो परावर्तन के सेकंड नियम से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम इससे संबंधित देखते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर परावर्तक सतह है, यहां पर कोई किरण आ रही है और ए वाला एंगल दिया गया 30 डिग्री और पूछा गया है कि ये आपका विलंब हो गया और पूछा गया है कि ए वाला एंगल कितना होगा, यानी कि आपतन कोण का मान आपको बताना है। तो आपतन कोण आप कब बता पाएंगे, अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आपतन कोण का मान आप तभी बता पाएंगे जब परावर्तन कोण आपको तभी पता होगा जब आपको आपतन कोण का मान पता होगा। तो पहले आपतन कोण का मान हम निकालते हैं, तो इसको हम नाम दे देते ए ओ बी। अब आप अगर यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यह अभिलंब है और तो यह पूरा कोण आपका कितना हो जाएगा,
अगर इसको मान लीजिए पी है और यह क्यू है, तो इसे बोल दीजिए एम, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, एंगल अगर आप एम ओ पी की बात करें, एंगल एम ओ पी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें से आपको एंगल ए ओ पी पता है कितना है 30 डिग्री, तो एंगल कोण ए ओ एम कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 हो जाएगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी कि यहां से आप इस एंगल का मान निकाल लेंगे आई बराबर 60 डिग्री। तो अगर आई बराबर 60 डिग्री है तो परावर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है, आई बराबर आर, तो आई बराबर आर कर देंगे तो आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुआ होगा और इससे संबंधित नेक्स्ट और प्रॉब्लम समझते हैं। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किरण है जो कि अविलंब से ही आ रही है, ये किरण है ये अविलंब से ही होकर क्या कर रही है, आ रही है। तो यहां पर पूछा गया है कि आई कितना होगा और आर कितना होगा, तो आप बिल्कुल इनकी डिफिनीशन पे जाइए और डिफिनीशन से इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई का मतलब क्या होता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अविलंब और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के संपाती है, क्या इनके बीच कोई एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब जो आपतन कोण है वो कितना है 0 डिग्री है। अगर आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि आई बराबर आर, तो आपतन कोण भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आप देख करके एंगल देख करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और इससे संबंधित प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।